आज कांग्रेस कार्यालय में हमारे बीच में राजस्थान सरकार में सीनियर मंत्री मेरे बड़े भाई हरीश जी चौधरी साहब मंच पर उपस्थित, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत जी, नागौर के प्रधान ओम सेन जी, हमारे बीच में कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन तेजपाल जी मिर्जा साहब, मुंडवा नगर पालिका के चेयरमैन भाई विक्की जी सदावत जी, साथ में पधारे हुए सवाई सिंह जी चौधरी साहब, उपस्थित शौकत भाई कयूम साहब, और मैं तो कहूँ एक एक का नाम लेने में सबके नाम चूक सकते हैं, सम्मानित मंच, यहाँ पर पधारे हुए सभी नवनिर्वाचित, जो आप लोगों के मेरी दृष्टि के अंदर अगर गांव ढाणी के हिसाब से अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चुनाव होता है तो शायद वो सरपंच का चुनाव हो। और यहाँ पर आज इतनी भारी संख्या में नवनिर्वाचित सरपंच लगन पधारे, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बधाई देना चाहती हूँ कांग्रेस के उन्हीं सभी कार्यकर्ताओं का जिनकी वजह से आज जो ये माहौल नागौर जिले और पूरे राजस्थान के अंदर है कि जितने पंचायतों के चुनाव हो गए उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो सरपंचगण जीत करके आ रहे हैं वो कांग्रेसी विचारधारा के लोग जीत करके आ रहे हैं। विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगी भाई हरीश जी चौधरी साहब का, क्योंकि नागौर में जब आज से खिंवसर का उपचुनाव हुआ था उस टाइम पर इन्होंने यहाँ पे बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। हम लोगों ने यही एक तरीके से हेडक्वार्टर वॉर रूम बना करके और बड़े ही आपकी पॉजिटिव उसके अंदर एक भूमिका रही कि कांग्रेस जीत तो हासिल नहीं कर पाई लेकिन हरेंद्र मिर्धा जी जीत के बहुत करीब पहुंच गए, और शायद उसी का नतीजा है कि जो आम कार्यकर्ता की जो भावना थी और उनको एक बार जो जोश मिला कि भाई थोड़ा सा धक्का और मारा होता नहीं तो अब कड़े तो मक्के आएगी, तो वो जो महसूस वहां रही थी शायद उसकी भरपाई यहाँ सरपंचाई के चुनावों के अंदर पूरी हो रही है। और ज्यादा लंबा भाषण नहीं दे करके मैं स्वागत करना चाहती हूँ हरीश जी का कि आज आप एक बार फिर से पधारे हैं अलग अलग चरणों के अंदर, यहाँ पे लोकल सारे हमारे चुनाव होंगे, पंचायती राज के भी 15 अप्रैल से पहले कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सारे पंचायती राज के चुनाव जो हैं प्रधानों के और जिला परिषद के सबके होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी आप बीच बीच में आकर के हमारा और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते रहेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने में जैसी भूमिका आज तक निभाई है उसका आप आगे भी हमारे को मार्गदर्शन करते रहेंगे। अब जो नए सरपंच जीत करके आए हैं उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत भारी एक जिम्मेदारी ओटी है और हम जो मंच पर नेता बैठे हैं राज आज कांग्रेस पार्टी का है, और आपको यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ इन सारे नेताओं की तरफ से भी कि आप लोगों को अपने क्षेत्र के अंदर जो भी विकास के कार्य हों, जो भी प्रशासनिक दृष्टि से मदद करने वाले कार्य हों, उनमें जो हमारी बन पड़ेगी वो मदद करने के लिए हम लोग तत्परता से और हमारे सपोर्ट में आपको कहीं कमी नहीं आएगी, ये चीज मैं आपको बताना चाहूँगी। साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि सरपंच का चुनाव कोई टिकट पे होता नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये कांग्रेस का था या ये बीजेपी का था। तो मैं अपने जितने हमारे जो नेतागण हैं गांव ढाणी के अंदर जो बैठे हैं, जो प्रधान हैं, जो पूर्व प्रधान हैं, जो पूर्व सरपंच वगैरह हैं, मैं उन सभी से निवेदन करूंगी कि कोई भी अगर इस तरीके का, अभी भी मुझे 2-3 सरपंच इस तरीके के मिले के साथ पहले ये कांग्रेसी विचारधारा के नहीं थे पर इस बार ये अपने साथ आकर के जुड़े, तो मैं यही कहती हूँ कि हम बड़ा दिल रखेंगे, हमारी तरफ हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे, तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें आप जोड़ने का प्रयास करें। आज हम यही कसम खा के जाते हैं यहाँ से कि भाई कांग्रेस पार्टी को हम जितना हो सकेगा मजबूत करेंगे, नागौर जिले के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस का गढ़ खेलाया जाता था, यहाँ पे वापिस से कांग्रेस पार्टी को जो इसकी पुरानी जो यहाँ पे ग्लोरी थी उसको वापिस से हम रिस्टोर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों की मदद मुझे और हमारे सारे नेताओं को मिलेगी इन्हीं शब्दों के साथ, आप सब यहाँ पे पधारे उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आगे मैं निवेदन करना चाहती हूँ हरीश जी से, क्योंकि आगे कार्यक्रम भी है थोड़ा लेट भी चल रहे हैं, तो मैं हरीश जी से निवेदन करूंगी कि वो अपना उद्बोधन दें। हमारे मंत्री महोदय जी का